लेकिन कमाल ये है कि पाकिस्तान की तारीख जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ देने की तारीख है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की तारीख नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद काजिम और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरशद जावेद रिजवी साहब। आज हमने उनको दावत दी है आईने पाकिस्तान के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। आईने पाकिस्तान के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमने उनको दावत क्यों दी है, क्योंकि इन्होंने इस मौजू के ऊपर एक किताब भी लिखी जो कि पैरामाउंट पब्लिशर ने शाया की है। इस किताब का नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी। आइए डॉक्टर अरशद जावेद रिजवी साहब से मिलते हैं और इस मौजू के ऊपर उनसे डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वी ड्राइव दिस कॉन्स्टिट्यूशनल फिनोमेना फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ये जो दो एक्ट हैं, 1935 एक्ट और इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, व्हेन वी मर्ज टुगेदर वी अडॉप्टेड इट फॉर आवर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ वेरी सेक्रेट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, हैविंग टू काइंड्स। एक काइंड है बेसिकली वी कैन से लाइक दिस दैट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ओरल कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन नॉट चेंज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमने अडॉप्टेड किया कॉन्स्टिट्यूशन 1935 एक्ट और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड किया, बिफोर अडॉप्टिंग दिस वी आल्सो मेड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द ईयर ऑफ लियाकत अली खान इन 1949, दैट इज़ आवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू कैन नॉट चेंज दैट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नोन एज मैग्ना कार्टा। इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, यानी मैग्ना कार्टा इज़ ए वर्ड विच इज़ ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, एंड मैग्ना कार्टा मीन्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दैट यू कैन नॉट चेंज एनी थिंग। सो यू कैन अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1962, 1973, बट यू कैन नॉट अमेंडेड और चेंज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच इज़ द मैग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तान्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन रियासत के लिए बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे आपके मज़हब के लिए आपकी मज़हबी किताब, उतना ही मुकद्दस, उतना ही सेक्रेट। अफसोसनाक जो बात है पाकिस्तान के हवाले से वो ये है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, वो अहमियत नहीं दी गई जो कॉन्स्टिट्यूशंस को दूसरी रियासतों में दी जाती है। बिकॉज विदाउट giving importance to the constitution you cannot run the state. So if the states and governments are fragile, it means that you are not depending on the constitution. Agar ye cheeze fragile hain, hamari government fragiles rahi hain from 1947 to till today, we can say that we faced all fragile governments. Humne fragile governments ko face kiya hai, either the democracy, either the military rule. All governments are fragiles basically. Why? Because we are not giving that kind of importance which is very important for the constitutionalism in Pakistan. So our constitution is a mixture of two thoughts. Sometime we can find lot of amended Western democratic reforms in Pakistani constitution, and sometime very much Islamized. It was basically Islamized when General Ziaul Haq came, and he Islamized entire society and gave all the Islamic norms to the constitution. So we are, as I told you, blended kind of constitution. Sometime we are democratic, Western democratic, sometime we are very much Islamized. Hua ye hai ki jab Pakistan azad hua hai to जिना साहब की जो तकारीर हैं और जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, सम टाइम ही टॉक्ड इन ए वेरी लिबरल सेकुलर वे। व्हेन समबडी आस्क्ड टू जिना, आर यू गोइंग, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री यू आर गोइंग टू मेक, ही सेड नॉट थियोक्रेटिक कंट्री, आई वांट टू मेक वेलफेयर डेमोक्रेटिक कंट्री। ही रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ थियोक्रेसी। So definitely that kind of idea established lot of intellectuals, those who believe that Pakistan should be a democratic welfare state. But on the other hand, we can find lot of statements of Jinnah who are Islamized. So
there we confused a lot. So sometime we are very much Islamized, sometime we are very much Western democratic. Indian society par itne asraat pade hain ghair mulkiyon ke we are very much confused. Islam bhi bahar se hi aaya, Western democracy bhi bahar se hi aayi, Aryans bhi bahar se aaye, Greeks bhi bahar se aaye, Persians bhi aaye. So sometime I believe that Indian society is a flowing river and it deposited in itself a lot of culture and a lot of philosophies. That's why we have a lot of things. Pakistan ka aain jo hai wo 56 mein bana aur badi mushkilon se bana. Usse pehle jo Pakistan ke jo 1947 se 1956 ka jo daur hai Pakistan ka, that was one of the tragic era of Pakistan. Aur afsosnak baat ye hai ke Pakistan bante hi jo ek bahut bada hame setback hua wo कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ थी. पाकिस्तान बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल जिन्ना की एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर, लेकिन व्हेन ही डाइड पाकिस्तान को संभालने वाले बड़े मुश्किल से हमारे सामने आए. और जब पाकिस्तान को संभाला गया तो वो लोग इस काबिल नहीं थे कि वो पाकिस्तान को बेहतर तौर पर संभाल पाते, और वो ट्रेजेडी आज तक हम देख रहे हैं. पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना, लेकिन 1958 में इट वाज मर्डर्ड, इट वाज कम्प्लीटली असेसिनेटेड बिकॉज वी ऑब्जर्व्ड फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान विच केम अंडर द सुपरविजन ऑफ जनरल अयूब खान. And that was 10 years old, the 10 years tenure martial law. So that was basically that. हमने अगर पहला आइन बनाया है तो पहला आइन जो था वो 2.5 साल चला सिर्फ, और 2.5 साल चलने के बाद अयूब खान का दौर शुरू हुआ. और अयूब खान के दौर को भी वी कैन डिवाइड इन टू चंक्स, दो हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं. पहला हिस्सा जो प्योरली मिलिट्री डिक्टेटरशिप है फ्राम 1958 टू 1962 में स्ट्रक्चर्ड डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, डेमोक्रेसी विद डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी. पाकिस्तान में इससे पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया था. व्हेन ही यूज्ड द वर्ड स्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी विद इन डिसिप्लिन. एंड और 62 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में लेकर आए विच वॉज प्रेजिडेंशियल. द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पार्लियामेंटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन. It was made by under the supervision of Sikandar Mirza, General Sikandar Mirza, Lieutenant General Sikandar Mirza. It was parliamentarian by its words, but sometime I believe that it was not parliamentarian. It was also a pure presidential type of government. The constitution was parliamentarian, but the government was purely presidential, because in the era of General Sikandar Mirza, he used four prime ministers just like paper pins. Then martial law, and then 62 constitution. It started in 1962 with the concept of structured democracy till 1969. Yahi hum dekhte hain ki ye jo मार्शल लॉ, इसके खिलाफ मूवमेंट्स पाकिस्तान में शुरू होती हैं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ एमआरडी मूवमेंट, मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, वेयर फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान एंड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट मार्शल लॉ, अयूब खान्स मार्शल लॉ. एक बात मैं बताता चलूँ, अयूब खान का मिलिट्री रूल आइडियोलॉजिकली हम जितना भी उसको रिजेक्शन करें, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी तरक्की की, वो तरक्की पाकिस्तान के किसी भी एरा में नहीं हुई है.
पाकिस्तान का मिलिट्री रूल अयूब खान का जो दौर है वो तरक्की और प्रोग्रेस के हवाले से पाकिस्तान का बेहतरीन दौर कहा जा सकता है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान खुश नहीं था। चुनाचा ईस्ट पाकिस्तान में मूवमेंट शुरू हुई, ईस्ट पाकिस्तान को देखते हुए यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में मूवमेंट शुरू हुई जिसको हेड कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इट वॉज मेड बाय ज़ैद भुट्टो इन पंजाब एंड अवामी लीग इन ईस्ट पाकिस्तान। तो 1969 में अयूब खान रिज़ाइंड एंड ट्रांसफर्ड दैट मार्शल्ला इनटू अनदर मार्शल्ला एंड दैट इज़ याया खान्स मार्शल्ला। याया खान सस्पेंड इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, याया खान ने सस्पेंड किया 62 का कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही केम विद LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और वो अपने साथ LFO लेकर आया जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था। एंड इसी दौर में हम देखते हैं पाकिस्तान में पहले ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए 1970 के अंदर, पहले ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, इतने ज़्यादा साफ और शफाफ इलेक्शन कभी नहीं हुए। लेकिन यहीं पाकिस्तान सबसे बड़ी गलती कर गया, और वो गलती ये थी कि मेजॉरिटी रूल को जो रूल देना चाहिए था वो रूल मेजॉरिटी को नहीं दिया, बल्कि इट वॉज़ कम्प्लीटली रिजेक्टेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू गिव द रूल टू शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग एंड ट्रांसफर्ड दिस पोलिटिकल पावर टू ज़ैद भुट्टो एंड ही एक्सेप्टेड एंड दैट वॉज बेसिकली द कॉज ऑफ ढाका फॉल 1971। दैट वॉज ऑल्सो ए वेरी ट्रेजिक एरा ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी, पाकिस्तान की सोसाइटी का बहुत ज़्यादा ट्रेजिक एरा है। दैन 5 years ऑफ ज़ैद भुट्टो विद अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कम्प्लीट, इट वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विच drafted after the consensus of entire political parties of Pakistan. It was signed by Wali Khan, it was signed by Mufti Mahmood, it was signed by Z.D. Bhutto, it was signed by every political party leader. First constitution of Pakistan which was came under the consensus of every political man. Ajeeb baat hai ke Ayub Khan ka Marshallah enlightenment, Ayub Khan ka Marshallah modernization ke concept ke saath aaya. ज़ियाउल हक का मार्शल्ला इस्लामाइजेशन के कॉन्सेप्ट के साथ आया, पाकिस्तान को इस्लामाइज्ड करने के लिए, और बहुत सी रिफॉर्म्स पाकिस्तान में की गई जो इस्लामाइजेशन की रिफॉर्म्स थी। एक वैक्यूम क्रिएट हुआ भुट्टो की डेथ के बाद व्हेन ही वाज हैंग्ड, और पाकिस्तान बहुत अरसे तक किसी लीडरशिप को तलाश करता रहा कि कोई ऐसी लीडरशिप पाकिस्तान को मिले तो दोबारा से पाकिस्तान को डेमोक्रेसी की तरफ लेकर जाए। After the death of Ziaul Haq, Benazir Bhutto and Nawaz Sharif, the two leaders, came in Pakistan and they started their career. It was hodgepodge governments basically, then a new Marshallah, that is a 1919 Marshallah, that is Parvez Musharraf Marshallah. So that was the history of Pakistan, that we can say that it's just like seesaw. That we can say like this, on the one hand the civilian governments, on the other hand the military governments basically, and they worked, I don't know, as they said that we want to work for the betterment of Pakistan every time they said, but everyone is failed, no one can give the betterment of Pakistan for the people of Pakistan and for the society of Pakistan. Pakistan जो की जो current situation है ये कोई बेहतर situation नहीं है पाकिस्तान के लिए। उसकी वजह यह है कि होता ये है कि पाकिस्तान में जब भी कोई government आती है, लियाकत अली खान की government से लेके till आज तक की government, पाकिस्तान की कोई भी government आती है उस पर इतने ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं, इंटरनल एंड एज वेल एज एक्सटर्नल प्रेशर्स, कि वो वेलफेयर के बारे में सोच ही नहीं पाती, और इट इज़ ए टग ऑफ वॉर कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपनी अपने आप को बचाने की कोशिशों में अपने 5 साल मुकम्मल करता है। वो कभी भी नहीं चाहता, अगर चाह भी रहा हो तो ऐसा कर नहीं पाता कि वो किसी सूरत लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करे।
वो अपनी जो महलाती साजिशें होती हैं उन महलाती साजिशों में इतना घिर जाता है कि वेलफेयर का कॉन्सेप्ट उभर ही नहीं पाता। इसलिए आज तक आते आते 70 से अबव ईयर हो गए पाकिस्तान को बने हुए, हम आज तक लोगों की वेलफेयर के लिए काम नहीं कर सके। पाकिस्तान में हम ना तो हेल्थ के लिए काम कर सके, ना हम पाकिस्तान में एजुकेशन के लिए काम कर सके, ना हम पाकिस्तान को एक बेहतर मुआशरा बनाने के लिए काम कर सके। तो अब तो अगर आप पाकिस्तान को महसूस करें आज के दौर में, तो आपको पाकिस्तान एक ऐसा स्कैटर्ड मुआशरा नज़र आता है जिसका अब ना कोई नॉर्म रहा है ना कोई वैल्यू रही है, और गवर्नमेंट का अब कोई भी रोल नहीं रहा है। गवर्नमेंट का महज रोल ये है कि वो पार्लियामेंट में बैठकर आपस में एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को चोर कहते रहें, वो कहता है वो चोर है, वो कहता है वो चोर है, बस ये बातें करते रहें। बाकी अब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहा, अब लोग ख़ुद से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो प्राइवेटली पढ़ाइए, आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहते हैं तो प्राइवेटली कीजिए, आप सारे काम खुद ही करते हैं, गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई काम नहीं करती। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कहीं इस न्यू जनरेशन में से कोई लीडरशिप उभर कर सामने आती है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लीडर जो हैं वो ऐसे तो नहीं पैदा हो जाते एकदम से, उसका तो बाकायदा ग्रूम किया जाता है, लीडर्स को तो बाकायदा ग्रूम किया जाता है, वरना तो कोई ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में नज़र नहीं आती जो हम ये कहें कि पाकिस्तान एक बेहतर यानी पाकिस्तान, मतलब मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स, यानी जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में आती रही हैं, कि कोई ऐसी गवर्नमेंट पाकिस्तान में आए जो पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बना सके। देखें, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी नाकाम हुई है ना, क्या वजह हुई है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाकाम हो गए, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान सोसाइटी इज़ नॉट एजुकेटेड सोसाइटी। इकबाल ने तो कहा था कि जमहूरियत वो तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। जमहूरियत का एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप किसी को भी यानी अपनी आकर वो आपका इलाके से जीत जाता है और आके पार्लियामेंट में बैठ जाता है, उसकी क्या हैसियत है, उसका क्या इंटेलेक्ट है। तो जमहूरियत के लिए बरतानवी हुकूमत जो है या बरतानवी मुआशरा जो है वो तो सूटेड है, बहुत सूट करता है, लेकिन पाकिस्तानी मुआशरा जो है वो डेमोक्रेसी को सूट करता नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर पढ़ा लिखा आदमी जो है वो पार्लियामेंट में नहीं आता, पढ़ा लिखा आदमी पॉलिटिकल जो क्रिसेंडो है उस पर पढ़ा लिखा आदमी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो चुनाचा एक तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूँ नाकाम फिनोमेना है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पर 100% एजुकेशन नहीं होती, मुकम्मल नाकाम फिनोमेना है। फिर बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं बना पाते उसकी वजह वो प्रेशर्स ही हैं ना। देखें, फ्यूडलिज्म बजाते ख़ुद पाकिस्तान में एक कैंसर है, और हमने उस कैंसर को कभी भी जड़ से काटने की कोशिश नहीं की, बल्कि फ्यूडलिस्ट ही लोग जो हैं वो पाकिस्तान की असेंबलीज में बैठे हुए हैं। हमने कभी नहीं चाहा, क्यों हम चाहेंगे भी कैसे, क्योंकि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो ख़ुद फ्यूडल हैं, तो वो कैसे कर चाहेंगे कि वो इस कैंसर को जड़ से उखेड़ दें। चुनाचा फ्यूडल जैसे अपने इलाके में सड़क नहीं बनाने देता, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि देखिए अगर आप किसी मुआशरे को चेंज करना चाहते हो तो वह सड़कें बना दें, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उन सड़कों पर ट्रैफिक आएगी, और जब ट्रैफिक आएगी तो लोग आएंगे, और जब लोग आएंगे तो नए नए ख्यालात उस मुआशरे में डेवलप होंगे। ये फ्यूडल्स जो हैं हमारे मुआशरे के, ये सड़क तक नहीं बना दे देते क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो इनके अंडर लोग जो हैं वो सवाल करना शुरू कर दें कि क्या वजह है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ये सवाल ना करना शुरू कर दें। तो इन्होंने हमारे मुँह से हमारे सवाल छीन लिए हैं। इकबाल ने कहा था कि जिस खेत के दहका को मैसर ना हो रोटी, उस खेत की हर खोशा एक गंदम को जला दो। हम ये इकबाल का शेर इस्तेमाल नहीं करते कभी,
हम इकबाल के वो शेर इस्तेमाल करते हैं जो हमारी गवर्नमेंट को सूट करते हैं। हमने इकबाल के कभी इनकलाबी शेर इस्तेमाल नहीं किए, हम वो शेर जो सूट करते हैं इकबाल को वो हम शेर इस्तेमाल करते हैं। चुनाचा बहुत से कानून बनाने के लिए, जब हम कानून बनाने लगते हैं तो बहुत से कवानीन बनाने के लिए हम पे बड़े प्रेशर्स आ जाते हैं, जैसे कि ज़ैनब का केस था और जिसमें ये कहा गया कि भी ठीक है जो रेपिस्ट है, जो लड़कियों को रेप करते हैं, लड़कों को रेप करते हैं, उनको फांसी पे लगा दिया जाए। हम ये नहीं कर सके, उसकी वजह यह है कि रेपिस्ट ही बैठे हुए हैं वहाँ पर, उसकी वजह यह है कि वहीं चोर डाकू सारे बैठे हुए हैं। तो जब वही लोग बैठे हुए हैं तो वो अपने अगेंस्ट कानून क्यों बनाएंगे? वैसे मैं खुद भी बजाते खुद इस कानून के हक़ में नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि हमें जुर्म से नफ़रत, मुजरिम से नफ़रत करनी चाहिए, हमें जुर्म से नफ़रत करनी चाहिए, हमें वो अवामिल ख़त्म करने चाहिए जिसकी वजह से कोई जुर्म करता है। ये तो मेरी खुद नफ़रत का इज़हार हो जाएगा कि अगर मैं कहूँ हाँ भाई इसे उल्टा टांग दो और इसको इस पर कुत्ते छोड़ दो, तो ये मेरी खुद अपनी अंदर की जो नफ़रत है उसका इज़हार हो जाएगा। तो हमें असल में एक ऐसे मुआशरे बनाने चाहिए और ऐसे अवामिल ख़त्म करने चाहिए जिसकी वजह से लोग इस तरह का अमल करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे कानून बनाना चाहें भी तो हमें बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैंने कहा कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान को सूट नहीं करती। पाकिस्तान में कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी ताकतवर मिलिट्री गवर्नमेंट हो जो हर चीज़ इम्प्लीमेंट कर दे और उसके लिए उसे किससे पूछना ना पड़े। आई एम ए डेमोक्रेटिक पर्सन, बट सम टाइम जब मैंने डेमोक्रेसी को इस तरह पाकिस्तान में नाकाम होते देखा है और अभी भी देख रहा हूँ, मैं अपने सामने इस गवर्नमेंट को जिस तरह नाकाम होते हुए देख रहा हूँ, तो उसकी जगह तो एक वन मैन शो होना चाहिए और वन मैन शो ऐसा होना चाहिए जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे, उसे पूछना ना पड़े किसी से। मैं समझता हूँ इट्स बेटर फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। अजीब सा लगेगा लोगों को कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं जो डेमोक्रेटिक आदमी हूँ मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन इस पूरे तजर्बे को देखते हुए, 72-73 साल तजर्बे को देखते हुए, मुझे तो ऐसे लगता है देर शुड बी ए वन मैन शो इन पाकिस्तान, देर शुड बी ए गवर्नमेंट लाइक इमाम खुमैनी। पहले हमें कैंसर ख़त्म करना पड़ेगा बॉडी में से, वो जो पूरे जिस्म पे आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाता है और फैलते फैलते पूरे जिस्म को लपेट लेता है। खुमैनी साहब से पूछा था किसी ने, ये आप लोगों को क्यों मार रहे हैं? उसने कहा ये कैंसर हैं, अगर इन्हें छोड़ दूंगा तो ये पूरे जिस्म पे फैल जाएंगे, जड़ से उखेड़ दो। हमने ऐसा किया है कि वो सारे कैंसरिक जो हैं वो हमारे लीडर बनकर बैठे हुए हैं, इधर दे आर नवाज शरीफ और इधर दे आर इमरान खान और इधर फवाद चौधरी और इधर जरदारी, ऑल ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये एक ही तरह के लोग हैं, इनमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं है। देखिए एक ज़माना था जब व्हेन आई वाज यंग, तो वो लाहौर में माल रोड पे एक शॉप होती थी क्लासिक, उसमें उस ज़माने में रशिया से जो किताबें थी वो तर्जमे होकर आती थी, उर्दू में तर्जमे होते थे, क्लासिक में मिला करती थी, जहाँ आम नौजवान लड़के जाकर किताबें ख़रीदते थे और अगर हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो वहीं खड़े खड़े हम उसको पढ़ लेते थे। कम्युनिज्म और सोशलिज्म एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जिसने पूरी दुनिया को लपेट लिया था, अपने हिसार में लपेट लिया था, एंड इट वाज अगेंस्ट कैपिटलिज्म। ये जो 1979 के अंदर द डेथ ऑफ कम्युनिज्म हैपेंड, इट क्रिएटेड लॉट ऑफ फस एंड एनार्की इन द आइडियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के आइडियोलॉजिकल सिस्टम में इसने अनार्की को पैदा किया। देखिए किसी गली में दो गुंडे हो ना, तो दोनों गुंडों में से एक गुंडे के साथ आदमी रह लेता है, लेकिन अब अगर एक ही गुंडा हो तो फिर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब एक ही गुंडा इस मुल्क, इस दुनिया पे हुकूमत कर रहा है, वो कैपिटलिस्ट गुंडा है, और इस कैपिटलिज्म ने इस्तेहसाल किया है बहुत शिद्दत से। वरना तो एक हिस्सा होता था कि ठीक है जी, अगर आप हमारा साथ नहीं दे रहे, अमेरिका अगर हमारा साथ, तो ठीक है हम रशिया के पास चले जाते हैं। लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो गया पाकिस्तान, इस दुनिया के अंदर। और मैं ये नहीं कहता कि कम्युनिज्म एक मुकम्मल ज़ाबता हयात था, इट्स अ फुल ऑफ लाइफ
लेकिन मैं समझता हूँ कि कम्युनिज्म में बहुत सी बातें ऐसी थीं जिसके ज़रिए हम तरक्की कर सकते थे। लेकिन हुआ ये कि लियाकत अली ख़ान व्हेन ही वाज इनवाइटेड फ्रॉम बोथ ऑफ द कंट्रीज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट ही इनवाइटेड फर्स्टली फ्रॉम रशिया एंड देन अमेरिका ही शिफ्टेड टू अमेरिका। और हम दुनिया में अमेरिकन लॉबी के बहुत बड़े मुल्क रहे हमेशा और वी सपोर्टेड एवरी टाइम अमेरिकन फिलॉसफीज़। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान में अमेरिकन कैपिटलिज्म जो था उसकी जड़ें जो है ना मज़बूत हो गई, और उसकी जड़ें मज़बूत होने की वजह से जो एक तबका था उसका इस्तेहसाल होता रहा, तो गरीब गरीब तर होता चला गया, अमीर अमीर तर होता चला गया, और जिस तरह इसलिए सोसाइटी तरक्की नहीं कर सकी। तो मैं समझता हूँ कि कम्युनिज़्म का एक ख्वाब जो था उसका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो अफसोसनाक वाक़या हुआ कि रशिया अपने आप को उस तरह इस्टेब्लिश नहीं कर सका जिस तरह। सो कैपिटलिस्ट लॉबी डिफीटेड कम्युनिस्ट लॉबीज़, और कैपिटलिस्ट लॉबीज़ ने कम्युनिस्ट लॉबीज़ को मुकम्मल तौर पर डिफ़ीट किया। तो ये बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से अब हमारे पास कोई भी नहीं है। लेकिन अब हम एक और मुल्क देख रहे हैं, डेफिनेटली वो उस वक्त सोशलिस्ट मुल्क था, अब सेमी सोशलिस्ट है, दैट इज़ चाइना। और हम देख रहे हैं कि दुनिया के इस पूरे मिजाज पर जो मुल्क उभर कर हमारे सामने आ रहा है वो चाइना है, और पाकिस्तान चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है, फ्रॉम अमेरिका टू चाइना पाकिस्तान इज़ टिल्टिंग टूवर्ड्स चाइना। और हम समझते हैं चाइना बेहतर तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर कर सकता है आइंदा आने वाले वक्तों में। लेकिन वो जो आइडियोलॉजिकल वॉर थी, वो जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म की आइडियोलॉजिकल वॉर थी, वो वॉर ख़त्म हो गई दुनिया से, और एक बहुत बड़ा रोमांस ख़त्म हो गया, दैट वॉज अ वंडरफुल रोमांस आई बिलीव। मैं समझता हूँ जैसे मैंने अभी एक बात की, इफ वी टॉक अबाउट द इम्प्रूवमेंट, द पोलिटिकल इम्प्रूवमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है ना उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमने बड़े तजर्बे कर लिए और हमने काफ़ी डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंटेरियन तजर्बे हमने कर लिए, लेकिन हमें ये चाहिए कि पाकिस्तान में अगर हम प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करें कॉन्स्टिट्यूशनली, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा पाकिस्तान में। और एक और जो लैकिंग मैं देखता हूँ माशरे में, वो लैकिंग सबसे बड़ी माशरे में ये है कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन की कमी है। अच्छा, मैं एजुकेशन के हवाले से डिग्री लेवल की एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ शौरी तौर पर एजुकेटेड होना, कि लोग शौरी तौर पर एजुकेटेड हों। पाकिस्तान में हमें एक ऐसे माशरा बनाना पड़ेगा जहाँ पर लोग शौरी तौर पर और सियासी तौर पर एजुकेटेड हों। देखिए, फैज़ साहब थे तो हमें पता था कि लाहौर में फैज़ साहब रहते हैं, और फैज़ साहब एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को संभाले हुए हैं। अब इतनी डिटोरिएटेड सोसाइटी है कि बेशुमार शायर अदीब आपको मिल जाएंगे, लेकिन पॉलिटिकली दे आर नॉट अवेयर क्या हुआ है, सोसाइटी को डिटोरिएट किया गया है मुकम्मल तौर पर। तो हम मुतासिर होते थे फैज़ साहब से, फैज़ साहब बात कर रहे हैं तो हम उनसे मुतासिर हो रहे हैं, हम उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा रहा नहीं। तो पॉलिटिकली तो हमें देखें प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पाकिस्तान में, फेडरेशन को, और एंड प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, वो जो जिना का एक साइड है ना कॉन्स्टिट्यूशनल, जिना वॉज ए ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट आई बिलीव, उस जिना के ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट साइड को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा पाकिस्तान में, कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उस पर चलना एक सिविलाइज्ड कौम की, एक सिविलाइज्ड लीडरशिप की निशानी होती है। वी हैव एन हॉश पॉश काइंड ऑफ अ सिस्टम, हम अपनी फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सेल्फ हम कानून बनाते हैं, नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंटायर सोसाइटी, नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंटायर नेशन। तो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी पड़ेगी, हमें
सोशल साइंसेस के इदारे खोलने पड़ेंगे। ये जो इंजीनियर्स बन रहे हैं, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, ये बन तो रहे हैं इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, लेकिन ओनली दे आर जॉब ओरिएंटेड क्राउड। हमें सोचने वाले जहन चाहिए जो सोशल साइंटिस्ट हों, जो मुआशरों को तरतीब देना जानते हों, और उसमें फिर हम पॉलिटिकल प्रेजिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करें और कॉन्स्टिट्यूशन को मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट करें, तो ये मुल्क आगे की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आएगा। वरना नाउमीदी जो है वो चारों तरफ है, और ठीक है आप का पैकेज बढ़ जाता है, आप नौकरी करते हैं, ठीक है, पर्सनली आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, आपने महंगी गाड़ी ख़रीद ली है, आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट कोलेक्टिव क्रिसेंडो ऑफ द सोसाइटी, कि अगर कोलेक्टिव क्रिसेंडो ऑफ द सोसाइटी को हमने इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमें कोलेक्टिव काम करना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं एक प्रोफेसर हूँ और मेरा ताल्लुक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हुए गुजरा है, और 30 years I spent in teaching and lot of students basically I taught. The book on which we was talking about, that is, as Kazim also told, that is the political structure of political system of Pakistan constitutional study. You can get this book from Paramount Publisher, and in this book you can find the entire political and constitutional history of Pakistan, entire political history of Pakistan, and it's good for the students who are doing LLBs and LLM, they are doing, and they are doing some work in political sciences, so they can get a lot of information. So as a professor, I did my doctorate, so then when I extended that the thesis of doctorate, so then I wrote this book. Thank you very much, Kazim. Thank you very much.